नसरीन की बात तो छोड़ो, वो 2 टके की नूरा, वो भी हर वक्त बातें सुनाती है, पीछे पड़ी रहती है उसके बेटे से शादी कर लूं। अरे महवेश जी, सिक्योरिटी से कुछ नहीं होता, जो दुश्मन होता है ना बहुत तेज होता है, सामने वाले की हर हरकत पे नजर होती है उसकी। तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई हो। अरे तुम्हें 1000 बार कहा है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी है। इस मसले का हबीब सिर्फ एक ही हल है, रफीक से दिया गया तलाकनामा। पर आप तो कह रही थी कि ज़बानी तलाक दी थी। हाँ सच यही है, इसीलिए तो वो मुकर गया है। तो आप तलाकनामा कहाँ से लाए? हबीब, क्या हम जाली तलाकनामा नहीं बना सकते? जाली तलाकनामा? मजबूरी है ना हबीब, उसने मुझे तलाक दे दी थी, अब वो मान ही नहीं रहा है। उसके झूठ का पर्दा चाक करने के लिए मुझे तलाकनामा चाहिए, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो। लेकिन फाखरा मैडम, अदालत ये तलाकनामा चेक करवाएगी, और अगर तस्दीक में ये पता चला कि तलाकनामा जाली है तो आप पे एक नहीं 2 केस बनेंगे, एक तो हुदूद का और दूसरा 420 का। उसे अदालत कौन लेके जाएगा? ज़ाहिर है रफीक, और कौन। अगर वो झूठा भी है ना तो भी इस तलाकनामे को वो चैलेंज कर सकता है, और फिर नतीजा वही होगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पुलिस उसकी बात ही ना माने। नहीं नहीं, बात पुलिस के मानने की नहीं है मैडम, बात तो अदालत की है। जो भी हो, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो मेरा ये काम कर सके? हाँ जानता हूँ, लेकिन पैसे मांगेंगे वो। कितने पैसे मांगेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? अरे नहीं नहीं, 20-25 हज़ार रुपए। बस ठीक है, तुम डन कर दो प्लीज अभी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। महवेश, मेरा बात तो सुनो। एक बात तो बताओ, तुम्हें इस घर में गैर मर्दों के साथ रहते हुए जरा हया नहीं आती? कौन गैर मर्द? अच्छा, ये माजिद और हबीब जो हैं तुम्हारे सगे भाई हैं, गैर मर्द नहीं है तो फिर क्या है? वो दोनों मेरे लिए बहुत अहम और खास हैं। माजिद भाई मेरे भाइयों के जैसे हैं और हबीब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बीबी, औरतों के कोई दोस्त नहीं होते। और रह गया माजिद, तो कब भाई जान में बदल जाए किसको खबर है। आप अपने ये सोच और ख्यालात अपने पास रखें तो ज्यादा अच्छा है, इतनी घटिया सोच का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं। सच्ची बात तो कड़वी ही लगती है भाई, हम तो जो देखेंगे वो ही कहेंगे। ऐसा करती हूँ, फाखरा से बात करती हूँ कि वो अपने मियाँ और उसकी नाम निहाद बहन पे कड़ी नजर रखे, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे ऐसा लगता है सकीना बीबी कि आपका अब कुछ फाइनली बंदोबस्त कर देना चाहिए। जेल जाने से तो मैं डरती नहीं, और जो हक बात है वो जरूर कहूंगी। वो कौन है आपके पार्टनर? हाँ रफीक साहब, वो और आपको अब इस घर से चले जाना चाहिए। चली तो तुम यहाँ से जाओगी, मैं नहीं। वैसे फाखरा जी, ये बात बिल्कुल गलत है। आप एक झूठ का मुकाबला झूठ से करने की कोशिश कर। तो और क्या करूं, सारी बात तो तुम्हारे सामने है ना। रफीक ने तो मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है, अब ये भी ना करूं तो फिर क्या करूं? अरे आप अपना जो केस है वो अदालत के सामने रखें, सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी, आप क्यों परेशान हो रही। माजिद, अगर इतना आसान होता ना तो फिर क्या चाहिए था अदालत में? वैसे भी जिसका झूठ जितना तगड़ा होता है केस उसी के फायदे में जाता है। लेकिन एक बात कहें फाखरा जी, जीत हमेशा सच की होती है, सच के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता फाखरा जी, झूठ का पर्दा एक ना एक दिन चाक हो ही जाता है। लेकिन माजिद, वो तब तक हमारी जान निकाल लेगा, एक बार अदालत में केस चला गया ना तो लोगों की जबानें बंद नहीं हो सकती फिर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फाखरा जी, देखें और वैसे भी हम तो हक पर है ना, लोगों का क्या है, वो बातें बनाते ही बनाने दीजिए उनको। कल कल हम केस जीत भी जाते तो मेरी खोई भी इज्जत, मेरा वकार मुझे वापस तो नहीं मिलेगा। अरे फाखरा जी, लोग 2-4 दिन बातें बनाएंगे उसके बाद भूल जाएंगे।
उन्हें रोजाना नई नई कहानियाँ चाहिए, हमारी कहानी किसको याद रहेगी। लेकिन मैं ऐसा रिस्क भी क्यों लूं माजिद, तुम खुद सोचो ना। आपकी मर्जी है, हम तो आपको समझा ही सकते हैं। आप एक गलत काम में फाखरा का साथ दे रहे हैं हबीब, ये जानते हुए भी कि ये 420 का केस आप दोनों के गले पड़ सकता है। जानता हूँ महविश, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। ये दोनों तो माजिद भाई और फाखरा मैडम की जिंदगी में अजाब बन के चिपक गए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हबीब एक काम हो सकता है ना, अगर फाखरा रफीक पे खुला का केस कर दे। लेकिन नहीं, इससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि और केस खराब हो जाएगा ना। नहीं महविश, ऐसा नहीं हो सकता। पहले शौहर की मौजूदगी में दूसरे शौहर से खुला कैसे ले सकती हूँ? वो उसका शौहर नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अरे ये बात तो तुम और मैं जानते हैं ना, दुनिया की नजर में तो रफीक ही फाखरा का शौहर है। आप मुझे ये बताइए, आप किसके जरिए ये काम करवाना चाहते हैं? है एक बंदा, बड़ा फनकार आदमी है, उंगलियों में जादू है उसकी। अगर किसी दस्तखत को वो कॉपी कर लेना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना, कोई पकड़ नहीं पाएगा। मेरी बात माने हबीब तो कोई और रास्ता निकालें, क्योंकि देखें अगर ये बात हाजरा और रफीक को मालूम हो गई तो वो ये केस लेकर अदालत चले जाएंगे। फिर तुम ही बताओ क्या करूँ। आप रफीक से क्यों नहीं डील करते, कुछ मामला ले दे के उसे पैसों का लालच देकर डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा लें। ठीक है, मैं बात करता हूँ रफीक से, अगर ही सीधी उंगली से निकल गया तो ठीक, वरना फिर कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। अच्छा मैं भी आती हूँ। जी नसरीन बीबी, बुलाया आपने मुझे? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर दबा दो। आपने मुझसे कुछ कहा है? तुम्हारे अलावा इस कमरे में और कोई है? और एक काम करो, थोड़ा सा तेल ना अपने कानों में भी डाल दो, क्योंकि तुम्हें आवाज कम सुनाई देती है। नहीं नहीं आप बोलिए, मैं कुछ सोच रही थी, मैंने सुनी नहीं आपकी बात। सुनी नहीं थी या जान बूझ कर ऐसा कर रही थी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं नसरीन बीबी? और तुम ये सोचने का काम कब से करने लग गई हो? तुम लोग सिर्फ गुलामी करने के लिए बने हो, सोचने समझने का काम तुम लोगों का नहीं है। और ये बताओ ये माहीन कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी, क्यों? मुझे तुम दोनों की सब चलाकियां बहुत अच्छे से मालूम है। नसरीन बीबी आप इतना क्यों नाराज रहती हैं हमसे? मैं आपसे एक बात पूछूं, ये नूरा ने अनवर को क्यों बुलवाया है? उसका बेटा है, मैं क्या कह सकती हूँ। और वैसे भी उसे क्यों बुलाया है ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अरे अभी भैया आप यहाँ बैठे हैं आराम से, कौन सी पट्टी पढ़ा दी आपने फाखरा जी को? अरे आप जानते नहीं हैं सीधा सीधा फ्रॉड का केस है, हम दोनों फंस जाएंगे। अरे माजिद भाई मैं तो खुद इनकार कर रहा था, लेकिन फाखरा मैडम की जिद के आगे मैंने हामी भर ली। अरे आप हमारी बात नहीं समझ रहे, रफीक मियां कुछ करे ना करे, लेकिन अगर आप जाली तलाकनामा सामने ले आए ना, वो अदालत में जरूर चैलेंज कर देंगे। अरे माजिद भाई आप फिक्र ना करें, मैं जिस आदमी के जरिए ये काम करवा रहा हूँ ना, फनकार आती है वो, उंगलियों में जादू है उसकी। अरे यार रहने दे बस ये सारी फनकारियाँ, आपको पता है पुलिस वालों के सामने सारी फनकारियाँ धरी की धरी रह जाती हैं जब चित्तर पड़ते हैं। तो भाई फिर आप ही कोई मसले का हल बताएं। देखिए ना आपने बात, एक काम करते हैं रफीक मियां को कहीं बाहर बुला लेते हैं। अच्छा क्या बात करेंगे? आप एक काम करें, आप जो जाली तलाकनामा बनवा रहे हैं वो मत बनवा, बस बैक गेट में तलाकनामा बनवा, रफीक मियां को बाहर बुलाएंगे, आसानी से अगर उन्होंने साइन कर दिए तो ठीक, वरना दूसरे तरीके से उस पर साइन करवाएंगे। ये आप कह रहे हैं माजिद भाई? हाँ भाई, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, अरे जब जान पे बन जाए तो कुछ भी कर सकता है आदमी। कमाल हो गया, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया पहले? अरे मान क्यों नहीं लेते कि आपकी सलाहियतों को जंग लग चुका है। अच्छा अब जाएं और जाके इस पे काम करें। ठीक है भाई अब
मैं करता हूँ कुछ। हाँ। इतने दिनों के बाद फोन किया, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। जमाल, मेरा इरादा तो हमेशा से नेक था। हाँ आ जाओ, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम आओगे कब तक? ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा का शुक्र है अहमर का मामला खुशअसलूबी से हल हो गया। अहमर बरी हो गया? जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके घर वाले तो बहुत खुश होंगे ना? जाहिर सी बात है, इतने अरसे के बाद उनके घर में खुशी आई है। और एहसन अंकल तो बेचारे बुढ़ापे में दरबदर ही हो गए। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना कोई आसान काम थोड़ी है। ठीक कहा तुमने। हाँ याद आया, दानियाल अरीना का तमाम बिजनेस और उसका घर अहमर के नाम कर रहा है। बेग बता रहा था कि एक दो दिनों के अंदर कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करके सारा बिजनेस और घर अहमर के हैंडओवर कर देगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ अच्छा होगा बिल्कुल। अहमर ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी माजिद भाई के नाम की थी, अब देखते हैं वो बिजनेस माजिद भाई चलाते हैं या अहमर खुद रन करता है। ये तो उनका पर्सनल मामला है। खैर आपकी बेग साहब से बात हुई? उन्होंने दानियाल से तो बात की होगी ना? आप मुझे उनसे दानियाल का नंबर ले दें, मुझे दानियाल से बात करनी है। दानियाल का नंबर तुम्हारे पास भी तो है। दानियाल मेरा फोन नहीं उठाते, हो सकता है नया नंबर देंगे तो फोन उठा ले। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है जिसकी वजह से वो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। हेलो अंजू जी, सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अंजुम जी हम जा रहे हैं। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? हबीब मियां हमारे साथ जा रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई फाखरा जी ने कह दिया है हमें जाना है तो फिर जाना है ना। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे शौहर के साथ जो तुम्हारी गलत फहमियां थी वो खत्म हो गई। गलत फहमी तो पहले भी नहीं थी, दरअसल वो मुझे लेने आए थे और मैंने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए जमाल मुझसे नाराज हो गए थे। असल में महविश, औरत का असल ठिकाना उसके शौहर का घर ही होता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा सुनो, ये बताओ कि वो तुम्हें कब लेने आ रहा है? अभी तो शायद जमाल आउट ऑफ सिटी गए हैं, एक दो रोज तो लग जाएंगे आने में। कुछ दिनों में कैसे, हो सकता है कि वो शायद तुम्हें कल ही लेने आ जाए। हाँ ये भी मुमकिन है, उनका कोई भरोसा भी नहीं है, वो कल भी आ सकते हैं। अरे तुम अपने घर जाने की तैयारी तो कर लो। कैसी तैयारी? अरे कुछ शॉपिंग तो कर लो ना, जाहिर सी बात है तुम अपने घर जाओगी तो घर का कुछ सामान होना चाहिए, कुछ कपड़े होने चाहिए। सच पूछे तो ये आपकी मेहरबानी है, वरना लोग कहाँ किसी का ख्याल रखते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है फाखरा जी, मुझे इतना अरसा अपने घर में रखा, पनाह दी, ऐसा कौन करता है किसी के लिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है, हर इंसान अपने नसीब का ही खाता है। और मेरी क्या औकात कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। ऐसे आप बहुत अच्छी हैं फाखरा जी। कैसी हो नसरी? मैं ठीक हूँ। भाई आप कब आए? अभी आया हूँ, थक गया हूँ बहुत, चाय पिला दो। आप गए कहाँ थे? दानियाल के वकील के पास गया था। खैरियत, कहीं दानियाल ने माहिन को तलाक तो नहीं दे दी? अल्लाह ना करे, दानियाल अहमर के केस को वापस ले रहा है, बस
इसी सिलसिले में गया था। अहमर कौन? अब तुम्हें क्या पता है अहमर के बारे में? अहमर दानियाल की मरहुमा बहन का शौहर है। दानियाल को लगता था कि उसकी बहन का कत्ल अहमर ने किया है, बस उसकी सजा काट रहा था जेल में। और अब दानियाल को यकीन हो गया है कि उसका कत्ल अहमर ने नहीं किया, वो बेगुनाह है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वैसे भाई ये दानियाल कब आएगा? ऐसे उसकी बीवी गैरों के घर में रह रही है, ये ठीक तो नहीं है। असरीन, माहिन एक शरीफ औरत है, दानियाल ये बात अच्छी तरह जानता है। वो यहाँ पर पहले भी रहकर गई है और दानियाल भी रहकर गया है, कुछ मजबूरियां होती हैं। इंशाल्लाह वो सुन बुला लेगा और वो चली भी जाएगी। तुम्हें इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाय पिलाओ मुझे। अरे भाई हबीब मियां, क्या हुआ उस काम का जो हमने आपको कहा था? आपने कहा था हो जाएगा यूं। भाई वो कोई मसला नहीं है, बल्कि आपका मशवरा बहुत अच्छा था। हम रफीक को कहीं बाहर बुलाते हैं, उससे तलाक नामे पे दस्तखत करवा लेते। अगर नहीं माना ना तो दूसरा तरीका तो आता है ना हमें। यही बेहतर रहेगा, इसलिए कि रफीक से अच्छे की उम्मीद रखना हिमाकत से कम नहीं है। यार माजिद भाई, वैसे एक बात बताएं, ये लोग कल इस तरह चले कैसे गए? अरे हमें नहीं पता कब गए थे क्या गए थे। हमने फाखरा जी से कह दिया कि रफीक से जान छुड़ाएं, हमें ये दोनों जहर लगते हैं, जहर। अरे माजिद भाई फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे छोड़ें, हमारी जिंदगी में ये कहां मुमकिन है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अरे छोड़ें भाई, ये बताएं शेरगुल की कोई खबर है? किसने अगवा किया, कहां गया वो? अरे हबीब मियां, हमें तो ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है। आप खुद बताएं, अगर किसी ने उनको अगवा किया होता तो अब तक अगवाकारों के फोन तो आ चुके होते तावान के लिए, या नहीं? एक फोन नहीं आया अभी। पर आप फाखरा मैडम से इस बारे में बात तो करें। पूछते हैं फाखरा जी से, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि क्वेटा जाने का इरादा है या नहीं? अरे वो भी एक मसला है यार, अंजुम जी कहती है कि ना जाएं और फाखरा जी कहती है कि जाएं। अजीब घन चक्कर में फंस गए हम। भाई ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा आप बैठे, हम जरा एक मिनट। अम्मा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं को गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, ये बुढ़ा यूं ही सोता पड़ा रहेगा और फिर इसी तरह से सोते सोते रुखसत हो जाएगा दुनिया से। अम्मा टीवी पर दिखाते हैं कि जब घर पर कोई किसी को जहर देके मार देता है तो पुलिस पता लगा लेती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा, मेरा तो सलीम के भी बहुत छोटा है। अरे बेटा कुछ हासिल करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना, और यहाँ तो तेरा मियाँ भी तेरे साथ है। यहाँ कौन बैठा हुआ इसका सगा जो उसका पोस्टमार्टम करवाएगा? अम्मा वो है ना उनके दो दोस्त कमाल अंकल और एहसन अंकल। अरे कोई नहीं पड़ता थाने कचहरी के चक्कर में, समझी? मगर अम्मा अगर अब्बा ये सब कुछ हमारे नाम किए बिना ही मर गए तो फिर क्या फायदा है इस सब का? अरे ऐसे कैसे मरेगा, ये स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा। और फिर तुम दोनों उस पर दबाव डालना कि दुकान और मकान तुम दोनों के नाम कर दे। इतने भी सीधे नहीं है अब्बा जी, बहुत ऊंची चीज है वो। अरे कितनी भी ऊंची चीज क्यों ना हो, जाना तो उसको भी जमीन के अंदर है ना, तू फिक्र ना कर। अच्छा अम्मा तू यहाँ बैठ, मैं जरा किचन से होकर आती। अभी तुम महविश को शॉपिंग के लिए ले जाओ, उसे कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग और महविश को? अरे नहीं बाबा, औरतों की शॉपिंग से अल्लाह बचाए। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो भाई, एक दो दिन में उसका शौहर आने वाला है, अब उसे खाली हाथ तो घर से नहीं रुखसत कर सकते ना। इंस्पेक्टर जमाल। महविश का शौहर? हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, उन दोनों के बीच में सुलह हो गई है। मैंने उसे काफी समझाया और वो मेरी बात समझ भी गई थी, इसलिए वो अपने घर चली जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन महविश ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में।
अगर नहीं बताया तो चलो बता देगी ना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बस तुम उसे शॉपिंग के लिए ले जाओ। माजी भाई ने बहुत अच्छा किया, वो घर दोबारा से खरीद कर। सही बात है, उस घर को दोबारा खरीदने में माजिद भाई को कितनी परेशानी हुई है ये तुम सोच भी नहीं सकती। मालिक मकान बजट था कि मैं मकान नहीं दूंगा, और माजिद भाई चाह रहे थे कि मकान खरीद लूं। सही कह रहे हैं, असल में वो भी तो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे ना, इसीलिए वो चाहते थे कि अंकल को वही घर लेके दें। हाँ, माजिद भाई ने भी यही बताया था। उस घर को ऐसा अंकल ने तिनका तिनका जोड़कर अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। बस कुछ हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन माजिद भाई शर्मिंदा थे इन सब पर। दिन रात एक ही बात करते थे कि मुझसे गलती हो, सुधारो कैसे। बुनियादी तौर पर तो माजिद भाई शरीफ और अच्छे इंसान हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अरे शहनाज, आप कहाँ थी? किचन में थी, शाम की चाय का बंदोबस्त कर रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शहनाज के हाथ में जायका तो है ना। आप लोगों को पसंद आ जाता है, बस समझ ले मेरी मेहनत वसूल हो गई। कहाँ गए हुए थे? हम अंजुम जी के पास थे। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई और तुम्हें मौजे सूझी हुई है। फखर जी क्या हुआ, बताएं तो सही। उन दोनों ने मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है, रोजाना यहाँ पे चले आते दिमाग खराब करने के लिए। आप उनसे एक बार दो टोक अंदाज में कह क्यों नहीं देती हैं कि यहाँ ना आया करें? और कैसे कहूँ, जब बंदा ही ढीठ बन जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे ढीठ लोगों का इलाज भी ना उन्हीं के तरीके से करना चाहिए, समझ रही हैं आप? अच्छा बैठे तो सही, अभी कुछ हल निकालते हैं, बैठे। तो तुमने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा कि इतनी अहम बात मुझे नहीं बताई? ये बात नहीं है हबीब, जैसे ही मुझे जमाल ने बताया मैंने फाखरा जी को बताया और उन्होंने आपको, भला मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। ये बताओ कि शॉपिंग पे कब चलना है, क्योंकि फाखरा मैडम ने मुझे कुछ रकम दी है। अरे फाखरा जी यूं ही तकल्लुफ कर रही हैं ना, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मना कर देता हूँ उन्हें कि तुम नहीं जाना चाहती। नहीं, मैंने ये कब कहा है, नाराज हो जाएंगी। अच्छा बाबा, अगर उनकी नाराजगी की इतनी फिक्र है ना तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले मुझे। अरे अरे मेरी शादी हुई है, मैं कोई अल्लाह के पास नहीं जा रही हूँ जो ऐसी मायूसी की बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह ना करे, मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि फिर इस तरह तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने का मौका मिले या ना मिले। अच्छा फिर चले, जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, शॉपिंग पर लेकर चलो। आपको भी तो पता चले ना कि खवातीन की शॉपिंग कैसे की जाती है। अरे नहीं बाबा, मुझे ये सब सीख कर क्या करना है, तुम ये सब चीजें अपने शौहर जमाल को सिखाओ। जमाल को तो मुझे घर के सारे काम सिखाने, उसे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि बीवी क्या शय होती है। गुलशेर ये तुम हो, कहां से बात कर रहे हो तुम? पर तुम हो कहां? पांच करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगी इतने सारे पैसे? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम खुद सोचो ना, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी, अभी मेरे पास नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शेर मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, मैं इतना बड़ा अमाउंट कहां से अरेंज करूंगी? गुलशेर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं औरत जात हूं, इतने सारे पैसे मैं कहां से अरेंज करूंगी?
मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे परवीन बेटा, तो एक कप चाय मुझे बना दो। अब्बा जी आप क्यों उठकर आ गए? आप आराम करते ना, मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाती। नहीं बेटा, कुछ मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। सर वो सलीम कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? वो अम्मा के साथ मार्केट तक गया, मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। हाँ वो उसमें थोड़ा चीनी ज्यादा डालना, क्योंकि अजीब सी तबीयत हो रही है, बेचैन, और हाथ पैरों में कपकपाहट सी है। क्यों अब्बा जी, खाली पेट कोई दवाई तो नहीं ले ली थी? हाँ वो मैदे में जलन थी ना, तो एक वहाँ दवा रखती थी, वो मैंने पी ली। ओहो कुछ खा लेते अब्बा जी, आपको तो पता है खाली पेट दवा तेजाब की तरह लगती है। ठीक कहती है तुम। अब्बा जी आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। आपने जो दुकान खैरों के हवाले की है, अगर वही दुकान आप नेम के हवाले कर दे तो सारा मुनाफा घर में ही आएगा। अरे बेटा वो दुकान मेरी ना, कमाल की। क्या मतलब? ओह मतलब मेरा ये कि कमाल ने ही उस दुकान को शुरू किया था, उसी ने उसमें सामान डाला था, वही उसकी देखभाल करता है, वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको भी वही देखता है, तो मैं कैसे उससे वो दुकान दे? अब्बा जी नहीं, आपका अपना खून है, आपको तो पता है उसके ऑफिस में आए दिन कोई ना कोई मसला चलता रहता है, अगर उसे ऑफिस से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप दुकान नईम के हवाले कर दें। बेटा मैं दुकान नईम के हवाले नहीं कर सकता, कमाल से मैं नहीं ले सकता दुकान। अच्छा चाय मेरे कमरे में ही ले आना, मैं वहीं जा। देखो रफीक, यहाँ रोज रोज आना और सबके हाथों जलील होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खाला पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाते, मेहनत करना पड़ती है तब जाकर जेब से किसी के पैसे निकलते। तो मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होती ये ख्वारी। अच्छा तो फिर रकम में से अपना हिस्सा भी मत मांगो। इतने दिन से जो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, क्या मुफ्त में आ रही हूँ? इसके पैसे तो मैं तुमसे जरूर लूंगी। खाला कुछ दिन की बात है, फिर हमें ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, फिर हमारे ऐश ही ऐश। पता नहीं कब मिलेंगे ये ऐश, मेरी तो उम्र गुजर गई मेहनत करते करते। खाला ऐसी बातें करके दिल तो ना जलाओ ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। रहने दो अपनी बातें, अच्छी तरह पता है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है ना, जैसे ही चंद पैसे मेरे पास आएंगे तुम आ जाओगे उधार मांगने। खाला पैसे वापस भी तो डबल करके ही देता हूँ ना हमेशा। हाँ 100 में से 1 दफा देते हो जब जुए में से जीत कर आते हो, वरना मेरे पैसे तो सारे के सारे डूब ही जाते हैं। खाला अब ऐसी बातें करके मेरा दिमाग ना खराब करो। वैसे रफीक एक बात है, इन लोगों की शक्ल देखने का ना अब मेरा दिल नहीं करता, और ये जो फाखरा है ना ये तो अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझती है। मिर्जा तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा अल्लाह करे जो खबर तुम्हारे पास हो वो अच्छी हो और खैर की हो। अच्छी खबर है यार भाई, पहेलियां ना बुझवाओ अब बता भी दो। भाई मुख्तार का फोन आया था माजिद के पास, दानियाल की वजह से ये केस खत्म हो गया है और हो सकता है कि 1-2 दिन में अहमद बाइज्जत बरी हो जाए। भाई यार मजाक तो नहीं कर रहे भाई, यार मेरा दिल और कमजोर है, सही बता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। यार तुम माजिद से कहो कि वो जरा मुख्तार के पास आए और तमाम तफसीलात ले ले। भाई मुख्तार ने माजिद को घर बुलाया है, शाम को वो दोनों एडवोकेट के पास गए। बस यार वो अल्लाह ने मेरी सुन ली कमाल, अब खैर से मेरा अहमद घर आ जाएगा तो मैं अंजुम से कहूंगा बस अब अहमद की शादी कर। हाँ तुम ये काम फौरन कर देना, उस बेचारे की सबका जिंदगी बिल्कुल पुरसकून नहीं थी। हाँ कमाल लाहबा से मैंने अपनी पसंद से उसकी शादी की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दोनों की भी एक दिन आपस में बनी नहीं और अच्छी जिंदगी नहीं गुजरी। हाँ यार तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो माँ बाप की बातें समझ में नहीं आती। ठीक कह रहे हो यार, बाकी हैरत होती है लाहबा जैसी लड़की तो यार किस्मत वालों को मिलती है। अम्मा अब्बा जी का खून तो बिल्कुल सफेद हो चुका है, बेटा दूसरों की चाकरियां करे और अब्बा जी दुकान उसके हवाले कभी नहीं करेंगे। मैं तो पहले ही जानती थी कि तेरा ससुर बहुत ही चालाक आदमी है, तो
तू चाहे कितनी भी खिदमत कर ले, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ले लेके ये छोटा सा मकान रह गया, मुझे तो शक है कि कहीं ये भी किसी के हवाले ना कर दे। कैसे कर देंगे किसी के नाम? ये मकान सिर्फ और सिर्फ मेरे सलीम का है। कोई इस मकान की तरफ आंख उठा के तो देखे, आंखें निकाल लूंगी उसकी मैं। तेरा मियां बिल्कुल बेकार आदमी है। वो अगर अपने बाप से दो टोक बात करे तो शायद ये मकान तेरे हक में हो जाए। आज करती हूँ नीम से बात, कब तक चलेगा ये तमाशा? और हाँ, ये दवा अपने हाथों से इसे पिलाया कर, बुढ़ा बहुत चालाक आदमी है, कहीं ये ना हो कि उसे शक हो जाए। कैसा शक? दवा का जायका तो बदल गया होगा, कहीं वो ये ना समझ ले कि इसमें कुछ मिलाया गया है। ठीक है अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और हाँ, एक काम और कर, दवा के साथ कोई चीज खाने पीने की भी दे दिया करे, ताकि उसको कोई शक ही ना हो कि इसके अंदर कुछ मिलाया गया है। फाखरा जी, वो रफीक और हाजरा फिर से आके बैठे हुए हैं। उनसे कह दो कि मैं घर पे ही नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी गई हूँ, चले जाए वो यहाँ से। लेकिन मैंने तो नहीं ये बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कमरे में रेस्ट कर रही हैं। उफ मेरे खुदाया, अब तुम देख लेना, वो औरत मेरी तबीयत पूछने के बहाने आएगी और मेरा दिमाग खराब करेगी। नहीं नहीं, मैं उसे यहाँ आने नहीं दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। महविश, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, मैं सोचती हूँ कि जब तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। क्या बात है खाला, खैरियत तो है, इतने गुस्से में हो? देखा तुमने रफीक, ये जो फाखरा है ना, इसने अपने नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है। टांग बराबर छोकरी क्या बोल के गई है कि फाखरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आप लोगों से नहीं मिल सकती, जाए यहाँ से। अरे तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है, हो सकता है फाखरा की तबीयत वाकई खराब। सब तबीयत वबीयत ठीक है उसकी, बस वो तो हमें देख कर खराब हो जाती है। तो तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं, सुकून से बैठी रहो यहाँ पे, मैं भी देखता हूँ कि कब तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। देखो रफीक, आज तुम्हें सारी बात क्लियर करके जाना है, और अगर वो कुछ भी पैसे वैसे देना तो इनकार मत करना। अरे खाला, मैं क्यों इनकार करने लगा, लेकिन फाखरा की एक ही जिद है। कौन सी जिद? यही कि मैं उसे तलाक लिख के दूं। तो भाई दे देना, तुम्हारी कौन सा वो सचमुच की बीवी है? तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या, कि मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल कर लूं? रोज एक अंडा, मेरा ख्याल बेहतर है। अंडा भी कहाँ मिलता है यहाँ? क्या तुम्हारा अंडा खाने का दिल कर रहा है? मैं अभी महविश से कहता हूँ, वो दे देगी बना के तुम्हें। जरूर, वो कांचौर बना कर देगी, चाय तक तो पिलाती नहीं है, अंडा बना कर देगी। अच्छा अच्छा, गुस्से ना हो, सुकून से बैठो यहाँ पे, मैं कहता हूँ महविश से। और सुनो, चाय का भी बोल देना। ये तो हालत हर वक्त खाने पीने की। यार मिर्जा देखो, तो यार ये कमाल आए ना तो इसे मेरे पास भेज देना, मुझे बड़ा जरूरी काम है। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस दुकान का किस्सा जो है ना वो हमेशा के लिए खत्म कर दूं, मेरी जान पे अजाब बन गया है भाई। यार जब देखो दोनों दुकान का तकाजा करते रहते हैं कि हमारे हवाले कर दो, हम चलाएंगे। यार मैं कैसे बताऊं कि वो दुकान तो मेरी है ही नहीं। अरे यार मिर्जा देखो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही कमाल आए ना तुम मुझे जरूर इत्तला करना, ठीक है? यार प्लीज ये मेरा काम कर दो। ओके ओके। ऐसी हो महविश, क्या हाल? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जा जाके ड्राइंग रूम में बैठो। कैसी मेजबान हो, मेहमानों से ऐसा सलूक नहीं करते। आप मेरे मेहमान नहीं, अभी फाखरा जी उठेंगी तो आपसे मिल लेंगी। मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बस मुझसे मिलना नहीं चाह रही।
आपको जरा भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है रफीक साहब, वो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप रोजाना मुंह उठा के चले आते हैं। तवेश पत्थर पर भी मुसलसल पानी का कतरा पड़ता रहे तो उसमें भी कड़ा पड़ जाता। अब यहाँ पत्थर का जिक्र कहाँ से आ गया? जाए रफीक साहब जाके ड्राइंग रूम में बैठे। मैं यहाँ अपनी नाराज बीवी को मनाने आता हूँ और मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन मैं उसे जरूर मना दूंगा। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला आप हैं जो इस वक्त यहाँ खड़े होके मेरा दिमाग खा रहे हैं। ऐसे बातें तुम बड़ी मजेदार करती हो। रफीक साहब कोई काम है तो बताइए वरना जाइए यहाँ से। वो खाला को भूख लगी है उसे कुछ खाने को दो और सुनो हम दोनों के लिए चाय भी बना। आप खाना बाहर से खाकर आया कीजिए, हमारे घर में मुफ्त खोरों के लिए जगह नहीं है। ये मेरी बीवी का घर है, तुम यहाँ किस हैसियत से रह रही हो? मुफ्त खोर हम नहीं तुम हो। आप जाओ शराफत से जाकर मेरे और खाला के लिए चाय बना कर आओ वरना। रफीक ये क्या तुम खाली हाथ आ गए? मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए? मेरा तो ब्लड प्रेशर लो रहा है, तुम्हें पता नहीं है? खाला एक तुम भी किसी ना अजाब से कम नहीं, हमेशा खाने पीने की पड़ी रहती है, अभी तुम्हारी वजह से महवीर से मेरी मुंह भरी होने लगी। अरे तो मुझे आवाज देते, मैं उसे ऐसा मजा चखाती ना कि जिंदगी भर याद रखती। अच्छे से समझा के आया हूँ उसे, लेके आती होगी कुछ। वो नहीं लेके आएगी कुछ भी। ऐसे कैसे नहीं आएगी खाला, थोड़ी देर देखता हूँ फिर जाता हूँ दोबारा उसके पास। वैसे रफी ये तुम मेरे लिए जा रहे हो या कोई और ही चक्कर है? हाला तुम्हारी सोच को भी ना सलाम है सलाम, ये कहाँ से आ जाती हैं ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में? रफी तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो ना वहाँ की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ मैं, सब समझती हूँ अच्छी तरह। अच्छा ऐसा करो कि तुम खुद चली जाओ उसके पास और इसी बहाने जरा फाखरा को तो देख के आओ ना। मैं नहीं जा रही उस बदज़बान औरत के पास। खाला चली जाओ, मैंने अब अगर उसे कुछ कहा तो कहीं नाराज हो के हमें ना घर से निकाल दे। ऐसे कैसे निकाल देगी, उसके बाप का घर है, माँ हूँ उसकी, कोई मजाक नहीं है। खाला तुम मेरा कोई जरूरत नहीं है कुछ बना के देने की, उनको भूख लगी है ना तो बाहर जाके खाएं, हमने कोई होटल नहीं खोला हुआ। और तुम दोनों यहाँ किस हैसियत में रह रहे हो? खस्ता गुल तो हमारे ख्याल में पुलिस कस्टडी में है और शेरगुल जो है उनके लिए अगवाकारों ने 5 करोड़ रुपए मांगे। नहीं माजी साहब तो चक्कर ही कुछ और लग रहा है, अगर खस्ता गुल वाकई पुलिस की कस्टडी में होता तो क्या वो फाखरा जी का नाम नहीं?